सो व्हाट्स अप वीडियो वॉचर्स, इट्स मी योर होस्ट रियो एंड बैक विद अगेन न्यू वीडियो। सो आज का जो हमारा वीडियो है वो है सिंचन पे। आज के वीडियो के अंदर मैं ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा जिसके बारे में कोई भी यूट्यूबर राइट आंसर नहीं दे पाते है। मतलब आंसर देते हैं लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन रह जाता है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं पूरी रिसर्च के साथ बता रहा हूँ कि तुम्हारा जो क्वेश्चन रहेगा उसके बारे में पूरा क्लियर हो जाएगा कि 100% की आखिर इस क्वेश्चन का आंसर यही है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, क्वेश्चन ये था कि जो फ्यूचर वाला सिंचन था उसकी जो वाइफ थी तमिको, वो स्मॉल एज में आखिर कौन थी। बेसिकली हमने तमिको को सिंचन की एक मूवी में देखा था। मूवी का नाम था सुपर डायमेंशन द स्टॉर्म कॉल माय ब्रीड। ये मूवी रिलीज हुई थी 7 अप्रैल 2010 और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 13,07,23,427 डॉलर्स। मतलब इन शॉर्ट में मिलियंस ऑफ डॉलर्स का वो लोग ने कमाई किया था सिर्फ इस मूवी से। तो इस मूवी के अंदर जो तमिको थी वो उस 5 साल के सिंचन को फिर से फ्यूचर में ले जाती है क्योंकि बड़े वाले सिंचन ने छोटे वाले सिंचन की हेल्प मांगी थी। तो भोजन का क्वेश्चन निकल के ये आ रहा था कि जो ये तमिको है वो आखिर स्मॉल एज में आखिर वो लड़की थी कौन। क्या वो लेमन थी जिससे हमने ऑपरेशन गोल्डन स्पाई मूवी में देखा था, जो रिलीज हुआ था अप्रैल 16, 2011 में, जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 14,02,95,582 डॉलर्स। सो इस मूवी में हमने लेमन को देखा था जहाँ पे लेमन और 5 साल का सिंचन वो लोग एक मिशन पे जाते हैं। तुमने मूवी तो पूरा देखा ही होगा। तो बहुत जन का कहना है कि ये जो लेमन है यही तमिको है जो आके चल के फ्यूचर में उससे शादी करती है। ओके, यहाँ पे एज का मैटर आता है। तो हम लोग ये सारी चीज़ों पे नहीं फोकस करेंगे, सीधा आंसर देने पे मैं कोशिश करूँगा। और भोजन का कहना ये भी है कि जो आईचेन है जिसे हम सब ने एपिसोड 339 में देखा था, जो न्यूयॉर्क में बॉर्न हुई है, ऑफकोर्स अगर न्यूयॉर्क में पैदा हुई है तो अमीर है, आईचेन अमीर है, वो सब तो जानते ही हैं। और लोगों का ये भी कहना है कि जो सिंकोचेन है, जो बीच बीच एपिसोड में दिखती है सिंचेन के हॉरन टाइप, वो आगे चल के तमिको बनती है और सिंचन से शादी करती है। तो इन तीनों में से हमें ढूंढना है कि आखिर तमिको है कौन। क्या वो लेमन है, क्या वो आईचेन है, या फिर सिंकोचेन है। तो मेरी पूरी रिसर्च के हिसाब से मैं बहुत सारी वीडियोस देख रहा था गूगल पे और यूट्यूब पे, मतलब बहुत सारा मैंने सर्च किया, कमेंट्स पढ़ा, तब जाके मुझे एक राइट कमेंट मिला और जो मुझे लगता है कि यस, ये ऑफकोर्स 100% राइट आंसर है। देखो, जो लेमन है उसकी आइस बहुत मिलती है तमिको से, आईचेन की हेयरस्टाइल भी मिलती है, मतलब ऐसी बहुत सारी सिमिलर चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी तमिको और लेमन में। और आईचेन लगता है लेकिन उतना 100% श्योर नहीं है। जो आईचेन है वो सिंचन को पसंद भी करती है और आईचेन बहुत अमीर भी है और उसका हेयरस्टाइल तमिको के साथ बहुत मैच भी होता है। जो फ्यूचर वाली तमिको है वो रिच भी है आईचेन जैसी। और सिंकोचेन का मालूम नहीं क्यों बोलते हो यार तुम लोग, मुझे नहीं लगता वो सिंकोचेन है। सिंकोचेन बेसिकली सिंचन की डॉटर है जो फ्यूचर में साई रहती है, क्योंकि हमने सिंकोचेन के पास टाइम मशीन भी देखी है और बहुत सारे कमाल के ऐसे गैजेट्स देखे हैं और सीरो को भी हमने देखा है। तो अगर तुम लोग चाहते हो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो तुम लोग इस वीडियो पे लगभग 500 लाइक्स कर दो। तो हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचता है, पहला है लेमन और दूसरा है आईचेन। तो ये दोनों में से कोई नहीं है। अब तुम सब सोचोगे कि ये क्या बोल रहा है, या कैसे बोल रही है भाई, इतना श्योरली कैसे बोल रहा है। देखो, मैंने कमेंट पढ़ा था किसी के वीडियो में, उसके अंदर एक ब्रो ने लिखा था कि जो तमिको है उसने खुद सिंचन से बोला था कि वो और जो बड़ा वाला सिंचन है वो एक ट्रेन में मिले थे जहाँ पे सिंचन भाई साहब ने अपनी चॉकलेट तमिको को दी थी। और इसके हिसाब से ना लेमन ऐसे मिली है ना आईचेन ऐसे मिली है। तमिको और सिंचन है वो अलग टाइमलाइन है, मतलब सिंचन बचपन में किसी को पसंद नहीं करता था, वो बात अलग है बड़ी दीदी को छोड़ के। लेकिन जैसे जैसे आगे चल के एपिसोड सिंचन का बढ़ता है, जो हम मुझे नहीं लगता हमें देखने को मिलेगा, लेकिन मे भी अगर आगे चल के देखने को मिल जाए तो बेसिकली होगा क्या कि जो सिंचन थोड़ा बड़ा हो गया रहेगा, मतलब 18+ या 17 या 16 इस एज में रहेगा, तब जाके वो तमिको से ट्रेन के अंदर मिलता है जहाँ पे सिंचन अपना जो ट्रॉफी है वो तमिको को देता है, ऐसा कुछ उसने बताया था। तुम खुद ही ये क्लिप देख लो। था और अपनी सीट मुझे दे दी थी तो इसलिए क्योंकि वो खड़ा होकर बाहर के नज़ारे देख सके। उसने मेरे लिए आइसक्रीम भी खरीदी थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब एक दिन मैं बहुत दुखी थी तो सिंचन मेरे पास बैठा रहा बिना कुछ बोले। यही तो असली दोस्ती होती है। वो शायद सो रहा होगा।
और गाइस मेरे पास दो तीन और प्रूफ है, जैसे कि तमिको ने कहा था कि उसने सिर्फ सिंचन की मॉम की फोटो देखी है। बार मॉम से भी ज्यादा खतरनाक इंसान से मिल रहा हूँ। अरे तुम मित्सी नोहारा के बारे में बात कर रही हो ना? आप मेरी मॉम को जानती है? हाँ मैं जानती हूँ, मैंने उनका फोटो देखा है, वो बहुत अच्छी है। पर लेमन तो सिंचन की मॉम से मिल चुकी है और आईचेन भी मिल चुकी है। और तीसरा जो प्रूफ है वो ये है कि जब तमिको फ्यूचर से आती है पास्ट में सिंचन को ले जाने के लिए, तब वो कजामा को सिंचन समझ लेती है। तो इसका मतलब जो पुराना वाला सिंचन है, मतलब एकदम 5 साल का जो सिंचन है, उसे तमिको कभी मिली ही नहीं रहती है। वो मैं जैसे बोल रहा हूँ वो अलग टाइमलाइन है, मतलब जब वो बड़ा हो गया रहता तब जाके वो मिलते हैं। सो मेरे रिसर्च के हिसाब से आईचेन भी तमिको नहीं है और लेमन भी तमिको नहीं है। आगे चल के वो मिलेगी सिंचन से। तो कैसा लगा वीडियो? वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो। मैं जो बोल रहा हूँ वही सही आंसर है कि कुछ और है? आपको क्या लगता है सर, कमेंट में बताओ, क्योंकि बहुत जन के पास अपनी खुद की एक थ्योरी होगी। पर मैंने 3 प्रूफ दिए जिसकी वजह से लगता है कि जो तमिको है वो आईचेन भी नहीं है और लेमन भी नहीं है, वो आगे चल के मिलेगी सिंचन से। और इसके ऊपर तुम्हारा क्या कहना है एक बार ज़रूर कमेंट में लिख देना, क्योंकि मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। और मैं ऐसे बहुत सारे वीडियो क्रिएट कर चुका हूँ परमैन के ऊपर भी, तो जाके देखना हो तो देख लेना, मेरे चैनल पे अवेलेबल है और या फिर डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा और आई बटन में भी शो हो रहा होगा। ऐसे मैं साइंस के भी रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, तो अगर तुम चेकआउट नहीं किए हो तो जाओ चेकआउट करो। और मेक श्योर कि तुम चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं बहुत सही कंटेंट देता हूँ जो लगभग जल्दी मिलता नहीं यूट्यूब पे। सो गाइस मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय चैनल। सो गाइस बाय, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है तो वीडियो को शेयर करो।